सोमवार से दिल्ली में ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार को एनजीटी की कुछ शर्तें मंजूर नहीं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पूरे इंतजाम नहीं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा महिलाओं को छूट नहीं मिली है इसलिए उनकी सुरक्षा पर रिस्क नहीं ले सकते। दिल्ली सरकार सोमवार को एनजीटी जाएगी, टू व्हीलर्स को ऑड इवन में छूट देने की अपील करेंगे। एनजीटी ने दिल्ली में ऑड इवन के लिए कड़ी शर्तें रखी थी। दिल्ली सरकार से कहा लागू करना है तो शर्तों को मानना जरूरी। ऑड इवन पर एनजीटी ने टू व्हीलर्स को छूट नहीं दी थी, महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाले पेरेंट्स को भी राहत नहीं। एनजीटी ने कहा जब तक बारिश नहीं होती तब तक दिल्ली में पानी का छिड़काव हो, ट्रैफिक पुलिस सुनिश्चित करे दिल्ली बॉर्डर पर जैम ना लगे। एनजीटी ने इमरजेंसी गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को ऑड इवन से छूट दी, सीएनजी गाड़ियों को भी इजाजत। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कपिल मिश्रा का दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा ऑड इवन के लिए सरकार की तैयारी नहीं, तमाशा दिल्ली को महंगा पड़ेगा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का बयान, कहा एक तरफ जनता प्रदूषण से परेशान है, दूसरी ओर सरकार का फैसला भी मुश्किलों में इजाफा करेगा। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा ऑड इवन जरूर लागू होगा, एनजीटी ने कुछ सुझाव दिए हैं उन्हें माना जाएगा। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, ये हर साल की समस्या है। प्रद्युमन मर्डर केस में सीबीआई आरोपी छात्र को रायन स्कूल लेकर पहुंची, सूत्रों के मुताबिक क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी छात्र की अब से थोड़ी देर में पेशी, आज 3 दिन की रिमांड खत्म हो रही। प्रद्युमन मर्डर केस में 8 सेकंड के वीडियो से हरियाणा पुलिस पर सवाल, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी छात्र प्रद्युमन को बुलाता हुआ दिख रहा है। इसी 8 सेकंड के वीडियो के आधार पर सीबीआई को आरोपी छात्र पर शक हुआ, गुरुग्राम पुलिस फुटेज ठीक से नहीं देख सकी। आरोपी छात्र ने ही सबसे पहले टीचर और माली को प्रद्युमन के टॉयलेट में पड़े होने की जानकारी दी थी, पुलिस ने स्कूल बस कंडक्टर को आरोपी बनाया था। पाक अधिकृत कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा पीओके पाकिस्तान का है और उसी का रहेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर का विवाद पाकिस्तान के साथ है, उनके साथ भी बातचीत जरूरी। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका, पत्नी को मिलने की इजाजत दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फैसले की जानकारी दी, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को नोट भेजा। जाधव की पत्नी से मुलाकात के लिए पाकिस्तान इंतजाम करेगा, मानवीय आधार पर इजाजत देने की दलील। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगर पाक जाधव के परिवार को मिलने देता है तो यह अच्छा कदम है, इससे जाधव का मनोबल बढ़ेगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कश्मीर में पत्थरबाजी एकदम रुक गई है, राज्य सरकार से काफी मदद मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, एक दर्जन गांवों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कोटा से संदिग्ध पाकिस्तान का नागरिक गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का शक, जासूसी की आशंका में पूछताछ हो रही। जीएसटी के स्लैब में कटौती पर राहुल गांधी का दावा, कहा हमारे दबाव की वजह से 28% से 18% टैक्स किया गया। राहुल गांधी ने कहा जब तक गब्बर सिंह टैक्स के बजाय असली जीएसटी नहीं मिलता हम नहीं रुकेंगे। जीएसटी पर बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कहा सामान्य ज्ञान की समझ के लिए सरकार को 4 महीने 10 दिन का वक्त लगा। गुजरात के बनासकांठा में सूचना प्रसारण मंत्री ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, कहा राहुल ने अमेठी में कुछ नहीं किया, आप गुजरात के विकास पर सवाल उठा रहे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा गुजरात में कांग्रेस कितनी ही कोशिश करे लेकिन बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। केरल में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर एबीवीपी, तिरुवनंतपुरम में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। यूपी के बांदा में बस रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी, घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। बांदा बस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई जबकि बस में सवार 4 लोग घायल हैं। बांदा हादसे पर यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतक के परिवार को 2 लाख का मुआवजा, गंभीर घायलों को 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल का 6ठा दिन, अस्पतालों में मरीज बेहाल हैं, कार्रवाई के डर से कई डॉक्टर अंडरग्राउंड। हड़ताल पर हाईकोर्ट का राजस्थान सरकार को नोटिस, कहा डॉक्टरों को सरकार भेजे नोटिस, काम पर नहीं लौटने पर माना जाए अवमानना। भोपाल के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, यौन शोषण के आरोपी, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को हटाने की मांग। यूपी के संबल में ट्रक से कुचलकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, पुलिस ने नाराज लोगों के चंगुल से ड्राइवर को छुड़ाया। जयपुर में तेज रफ्तार बाइक फिसल गई, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। राजस्थान के सीकर में आग से मजदूरों की झोपड़ी जलकर खाक, झोपड़ी में सो रहे लोगों को बाहर निकाला गया। ये
बिहार के बाढ़ में भीषण आग, 5 घर समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बदहाल सड़कों से लोग परेशान, लोगों का आरोप विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है हादसा। जयपुर में एक बस सड़क किनारे नाले से टकराई, हादसे में महिला की मौत हो गई, ड्राइवर समेत 24 यात्री घायल। यूपी के मुरादाबाद में निगम चुनाव से पहले अवैध शराब के कारोबार में तेजी आई, प्रशासन ने दिया जल्द कार्रवाई का भरोसा। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा, हथियारों समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के बागपत में गैस सिलेंडर फटने से 2 दर्जन लोग घायल हो गए, धमाके से मकान की छत भी उड़ गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग मिला, आरपीएफ ने बैग को अपने कब्जे में लिया, बैग से नेपाल की करेंसी और सामान बरामद। गुरुग्राम के सूरत स्कूल में शिक्षक की पिटाई से बेहोश हुआ 10वीं का छात्र, अस्पताल में भर्ती छात्र के गर्दन में चोट आई।